कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 3,500 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा को समूचे देशवासियों ने पसंद किया और उनको अपना प्रेम दिया। उनसे यात्रा में देश की जनता ने अपने मन की बात साझा की। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा मेलघाट से आरंभ की गई है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गैलवार के नेतृत्व में इस अभियान को क्षेत्र में जन जन तक पहुँचाने में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़ कर सहभाग लेते देखा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गैलवार ने कार्यक्रम में देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई, किसान कर्जबाजारी के बढ़ते मामले, देश की संपत्ति उद्योगपतियों के हाथ सहित देश में निराशा का माहौल, साथ ही आर्थिक संकट आदि मुद्दों पर जनता से सीधे संपर्क साधा। उपरोक्त लिखे मुद्दों पर जानकारी देते हुए कांग्रेस की विचारधाराओं से सभी को अवगत कराया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की संपूर्ण जानकारी इस दौरान दी गई। कांग्रेस के इस अभियान को मेलघाट में जबरदस्त प्रतिसाद हासिल हो रहा है। जनता हाथ से हाथ जोड़ रही है, अभियान से जुड़ रही है, जैसे विचार कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गैलवार ने व्यक्त किए। हमारे धारणी शहर में शहर कांग्रेस कमेटी और तालुका कांग्रेस कमेटी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ मिलाओ कार्यक्रम के बारे में हमारे भाइयों को, मतदाता भाइयों को हमने मार्गदर्शन किया और इसके बारे में जो निवेदन छापा गया पार्टी की तरफ से उसका वितरण किया गया। और इसी तरीके का कार्यक्रम हमारा धारणी तालुके में ग्रामीण विभाग में भी रवाया जा रहा है और ये आने वाले इस महीने के एंड तक ये कार्यक्रम पार्टी की तरफ से हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा। कांग्रेस की सफलता के लिए कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गैलवार, मुख्तियार शेख, महेंद्र मालवीय, मलिक शेख, मुफ्ती हबीब कासमी, मोहम्मद रमजान, चेतराम चेमलकर, बबन शेख, सलमान कुरैशी आदि सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। शकील अहमद, सुलेमान मेमन, तस्मीन शेख के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज़, धारणी।